रक्षा मंत्री ने पुष्पेंद्र यादव के इस बलिदान को व्यर्थ जाने के लिए हुंकार भरी। जी हां, हम आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मिलकर अपने दुख साझा कर सहानुभूति प्रकट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने 24 घंटे बाद झांसी से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया तथा बुंदेलखंड के इस राजमार्ग पर कार्यकर्ताओं और जनमानस उनकी झलक पाने के लिए एकत्रित हुए। जब उनका काफिला कालपी पहुंचा तो कालपी गार्डन गेस्ट हाउस के पास अजहर बाबा, दानिश गुलाब सिंह यादव, ओवेश पठान सहित दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ताओं व युवा नेताओं ने अखिलेश यादव का एक झलक देखने के लिए स्वागत किया। वही आपको बता दें, तत्पश्चात उनका जोरदार स्वागत यमुना पुल के पास मौजूद सर कमल खान सिंह यादव, हरमोहन सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, हाफिज इरशाद, राम प्रकाश गुप्ता आदि द्वारा किया गया। लेकिन आम जनमानस की कसौटी में खड़ा उतर है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि उन साहसिक कदम को जनमानस तक सराहना करते हैं।